के कार्यकाल से अब इनको नंबर कितना देना चाहें। चुनाव में आप सांसद अनुप्रिया पटेल को अभी तक किए गए उनके कामों पर कितना नंबर दें? मान लीजिए क्या उनके जो है उनके काम का बिल्कुल संतुष्ट है? कितना नंबर देना चाहिए आपका? 10 में से इनको कितना नंबर, 10 में से कितना नंबर आप देंगे? 10 में से हम उन नंबर कितना देना चाहेंगे सांसद? देखिए मैं अगर अपने इस जगह की समस्या के लिए बात करूंगा, ठीक है, और इस पे अगर मुझे नंबर देना होगा, अगर नंबर देना रहेगा कितना नंबर देंगे? नमस्ते, मैं हूं अजितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस का खास कार्यक्रम नेताजी पास या फेल, जिसमें आज हम बात करेंगे मिर्जापुर की। विंध्य की पहाड़ियों और मां विंध्याचल की गोद में बसा मिर्जापुर आर्थिक, सामरिक और पर्यटन की नजर से काफी महत्वपूर्ण। 1989 में प्रदेश के सबसे बड़े जिले सोनभद्र से अलग करके मिर्जापुर को बनाया गया। जिले में गंगा नदी गुजरती है और नदी के एक तरफ वाराणसी का किनारा तो दूसरी तरफ वाराणसी का दूसरा किनारा बसता है, जहां पर मिर्जापुर है। जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर मां विंध्याचल का पौराणिक मंदिर है, तो कुछ ही दूरी पर चंद्रकांता का मशहूर किला चुनारगढ़ इसी जिले में है। इसके अलावा मिर्जापुर पीतल उद्योग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और यहां बनने वाले पीतल के बर्तन पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इसके अलावा इस जिले में पीली मिट्टी से बने बर्तन भी काफी मशहूर हैं। इसके अलावा इस लोकसभा क्षेत्र के वाराणसी और प्रयागराज से सटे होने की वजह से इसका राजनीतिक महत्व काफी बढ़ जाता है। पर्यटन की नजर से मिर्जापुर काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक वातावरण बरबस लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। मिर्जापुर स्थित विंध्याचल धाम के अलावा यहाँ के सीताकुंड, लाल भैरव मंदिर, मोती तालाब, टंडा वाटरफॉल, विंधाम झरना, तारकेश्वर महादेव मंदिर और रामेश्वर पर भी काफी फेमस है। जी, इस समय मौजूद है मिर्जापुर के तिलियागंज के पास पारस चाय वाले के यहाँ। आपको बता दे कि ये चाय मिर्जापुर में पारस चाय के नाम से फेमस है, मशहूर है। लोग मिर्जापुर के गलियों गलियों से होके गुजरते हैं, सुबह के समय, शाम के समय यहाँ पर एक बार चाय पी के ही जाते हैं। क्यों फेमस है, क्या फेमस, इसका क्या रीजन है, हम आपको थोड़ी सी वो झलक दिखाएंगे। जिस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, ये चाचा है जो चाचा जी का पारस नाम है, जो कि चाय यहाँ पे बेचते हैं। आप बता दें, यही कुछ मुद्दे चुनावी के चल रहे हैं, लेकिन और भी सुबह होते कुछ भीड़ बढ़ जाती है, कुछ शाम को भी भीड़ बढ़ जाती है। चाचा, क्या नाम है आपका? पारस चाय वाले। लगभग आपकी दुकान है कितने वर्षों से? 32 साल। 32 साल। एक तारीख को लोकसभा चुनाव यानी सांसदी चुनाव होना है, तो इस बार जो किसको सांसद के रूप में चुनना चाहिए? ये ऊपर वाले को देनी है कि किसको होगा किसको नहीं होगा, ये हाथ में जनता के हाथ में हम नहीं है, ऊपर वाले की सौ की कृपा है। हम देंगे, सरकार जिसकी है उसकी वोट बस। अच्छा, मिर्जापुर में कारी डोर बन गया है और मेडिकल कॉलेज बन गया, उसके लिए ठीक है, जो बन गया बन गया, बनेगा अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा, फाइनली अभी हम चलते हैं, एक भाई साहब हमारे यहाँ बैठे हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? हाँ, पूछ ले आप, थोड़ी सी बात, कैमरा जी, क्या नाम? हमारा नाम काम सिद्धू है। अच्छा, मिर्जापुर में कॉरिडोर का निर्माण हो गया, जैसे मेडिकल का निर्माण हो गया, जबकि सभी लोग जान रहे हैं, उसके लिए क्या कहना है? मेडिकल कॉलेज का हुआ तो मेडिकल का लोगों को मिल रहा है सुविधा अच्छी, और कॉरिडोर बन गया तो अच्छी बात है, यहाँ नहीं था। तो किस तरह के आप सांसद चुनना चाहेंगे, 1 तारीख को मतदान? देखिए भाई, मतदान सबके मन में होता है, किसको करना है ये तो खुद आदमी जानता है। तो किस तरह का नेता चुनेंगे, जो विकास कर सके वो, या फिर जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो आपके सांसद अनुप्रिया पटेल हैं वो भी चुनावी रण में हैं, और इधर रमेश बिंद भी चुनावी रण में है, मनीष त्रिपाठी भी है, तीनों सांसद एक बार ये घमासान लड़ाई हो रही है मतदान के लिए, तो इन लोगों से क्या कहें? देखिए, जो भी नतीजे आएंगे वो सामने आएंगे भाई, कहने वाली क्या बात है, कहने को बहुत लोग कहते हैं, हम इस बंदी डाल, जो भी आएगा सबके सामने आएगा।
अभी हम रुक बुक करते हैं। एक युवा भी हमारे साथ में है जी, क्या नाम है? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी, बताएं कि इस बार लोकसभा का चुनाव होने वाला है 1 तारीख को, किस तरह का आप जो है प्रत्याशी चुनेंगे? जो आप कप प्लेट के लिए, अच्छा क्या लगता है कप प्लेट के लिए? वो 400 के पार ही आएंगी मोदी जी, इसलिए। इधर बिंदकारी डोर बन चुका है, इसके पहले माँ बिंदवासिनी के धाम में लोग लाइन लगा के दर्शन के लिए जाते, इतना सारे चीज हो गया, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कारी डोर बना, भटौली पुल चालू हुआ और बिंदकारी डोर तो हुआ ही, और इधर पूरा सड़क बन गया। मतदान होना है, 3 प्रत्याशी हैं, लेकिन तीनों प्रत्याशी में भाजपा का जो कप प्लेट है समझौता के तहत, तो सबसे आगे चल रहा है और जीत भी निश्चित है कि उसी की होगी। वो जो तीनों प्रत्याशी लड़े हुए हैं, रमेश बिंद भी बढ़िया फाइट दे रहे हैं, लेकिन लड़ाई यही 3 की है, सपा बसपा और जो है कांग्रेस खड़ी नहीं है, भाजपा खड़ी नहीं है। तो इसलिए जो प्रत्याशी है वो 2 बार जीत चुकी हैं, अच्छे मतों से जीत चुकी हैं, अभी पास भी उन्हीं का नंबर है। जीतने की उम्मीद 75% अनुप्रिया पटेल की है, 25% में और प्रत्याशी हैं। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन गया है फिलहाल, मेडिकल कॉलेज की क्या सुविधाएं हैं? अरे हर चीज़ का हो गया है, मेडिकल कॉलेज बन गया है, विश्वविद्यालय बन गया है, ये सब से लोग प्रभावित हैं। सड़क भी यहाँ की अच्छी बन गई है, तो भाजपा के कार्यकाल से सब लोग बहुत उत्साहित हैं। 2-2 पुल बनाया है भाजपा ने बहुत काम किया है यहाँ मिर्ज़ापुर के लिए। अब मिर्ज़ापुर के लिए लोग इससे वोट भी बढ़िया करेंगे और बीजेपी को जिताने का कोशिश भी करेंगे, क्योंकि सब लोगों को सुविधा बहुत बढ़िया मिल चुका है बना मिर्ज़ापुर में। सड़क से लगाई जो है, पुल से लगाई, 15 साल से पुल का यहाँ नहीं निर्माण हुआ, बीजेपी आज तुरंत पुल चालू करा दिया, 15 साल से इन लोगों का पुल नहीं बन रहा था। तो बीजेपी का कार्य जीतने बहुत, बिंद कॉरिडोर भी बहुत बढ़िया बना दिया, उसका प्रभाव लोगों के ऊपर। मिर्ज़ापुर में एम्बुलेंस की सुविधाएँ और 112 नंबर की सुविधाएँ किस तरह से मिली? नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास मिल रही है, जरा सा फ़ोन करिए 5 मिनट में एम्बुलेंस आ जाती है। एम्बुलेंस में हर चीज़ का व्यवस्था है, एम्बुलेंस को अब देने में कोई दिक्कतें नहीं हो रही है, जिसको जहाँ से फ़ोन करिए एम्बुलेंस 10 मिनट में पहुँच जा रही है। बताएं कि 1 तारीख को चुनाव होना है मिर्ज़ापुर में 7वें चरण का, इसके पहले 5, 4, 3 इस तरह का जो है चरण का चुनाव प्रदेश भर में हो चुका है, अंतिम चरण चल रहा है, वो भी 1 जून को यहाँ पर भी समाप्त हो जाएगा, तो क्या लगता है किस तरह के प्रत्याशी आप किन मुद्दों पर चुनाव देंगे? देखिए, यहाँ पे हमारे विचार के हिसाब से विकास का मुद्दा पुरजोरों पे है। रही बात वर्तमान शासन में जो हमारी सरकारें हैं उन्होंने कार्य किया है, इस बात से हम इनकार नहीं करते, लेकिन इसके साथ साथ विकास पे भी ध्यान देना जरूरी है, और जिसके लिए जनता महंगाई, विकास और सारी बात मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर क्या नाम से सरकार को ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आपको बिजली की सुविधाएँ समय से मिल जाती है? निश्चित बिजली के क्षेत्र में इस सरकार ने कार्य किया। सरकार बड़े बड़े दावा करती है कि आपको 10 से 15 मिनट के अंदर एम्बुलेंस और 112 नंबर पुलिस सेवाएं आप तक पहुंचा दे, क्या सुविधा है? ये कुछ हद तक सही है, लेकिन तो सरकार को और थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए। ये बात सही है कि सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा और प्रशासन के ऊपर अपना वो फोकस करके, अधिकारियों के ऊपर, मतलब की सुविधाएँ हर एक आम नागरिक को समय से अवगत कराए, समय से मिले, ये अच्छी बात है। दादी, 1 तारीख को चुनाव होना है, तो चुनाव देने जाएंगे ना? हाँ, जब दिव्या चली तब देंगे। अच्छा, सांसद चुनाव बाद किसको वोट देंगी इस बार? हम के जे खाए के दिए, अब जे हमें पहरे के दिए, जे हमें घर दिए, वही के वोट दे, हमें पानी और खाए के चाह। राशन तो मिल रहा है ना? राशन मिल रहा बा, पानी जल जीवन मिशन के तहत सभी जगह नल लगाए जा रहे हैं, तो नल नहीं लगाया? नहीं, अब वहाँ वही जुटा रहे हैं, मारी मनाई नहीं। अच्छा, पानी नहीं दे रहे हैं? नहीं। आवास वास मिला है? कुछ नहीं, एक फोर का ईटा आने, इतना बड़े के ईटा नहीं। अच्छा, जाता ही दिया सुना दिया। तो कोई सांसद तो आपके घर कब आए थे आपके मोहल्ले में आपसे पूछने उछने मिलने उलने? अब कहा जाने दें कि ना दें, हम कैसे जाने? क्यों नहीं आया? अच्छा, ये तू पहले तू आया।
तो का कहते वोट दही ना इस बार ऐसे कैसे इस बार वोट दे तू जिम्मा लेगा तब और नहीं पकड़ के ना मुंडी काट ले हम के पनिया के खाइबा के लिए बतावा अब दस तू बतावा दस साल तो हो गया है तू बतावा नहीं दस साल से अनुप्रिया पटेल यहाँ नहीं तू बतावा तू बतावा तोहर कुह में पानी दिया खाए की दिया कर दी तब बताई हम आपको मिलेगा जब आप कह रहे हैं तो मिलेगा आप जब मिले तब दे अच्छा जब मिलेगा आपको तब देंगे आपको रोड देबो तो हमारे बेटी के लिए वही रोड दे पानी दिए वही हमें पानी क्या है आई है बेटी का खड़ा है पानी यहाँ से बाबा जी देखो जी तो तब अरे आप वोट नहीं कि हम देव जाए आप ही आपके मन में चिकर बा अरे तो के तो भी के देगा ये बताओ के देता अपन एक बार कमा खाई खा खाई और जी तो वो के होगा तब ना देही अरे काटी जाए ठीक है जी देही है आप के और देवे ना देही अब देश परेशान बा नेता से बाप परेशान बा बेटा से बेटा परेशान बा बीवी से बीवी परेशान बा टीवी से टीवी परेशान बा जनता से जनता परेशान बा तपन से यही मालूम चल रहा बा ओकरे बाद जे जीते एक तारीख को चुनाव मतदान करने जाएंगे किसको वोट दे अब जे जे जेके सब भूमि वही को वोट दिया जाए आपके मतलब गाँव की समस्या है तो होगी क्या समस्या अब समस्या बहाई अब सब मीटिंग कर रहा है अब की यहाँ के दे के जितावा जाए हाँ पानी नहीं भाई पानी बिना सब सारी जनता है बिजली की समस्या क्या है अब बिजली बिजली से आवाज तक चली जाता है आपसे बात करना चाहेंगे कि आपको कोई इमरजेंसी होता है रात या दिन में कोई बीमार होता है तो एम्बुलेंस की जो सुविधाएं है वो समझ जाती है हाँ जब गए थे एम्बुलेंस तो आवत है भैया सब कुछ ठीक है हमारे यहाँ समस्या बस एक ही चीज की है बहुत ज्यादा लोग परेशान है जो कि पानी की इतना यहाँ किल्लत हो रही है कि आप चले जाइए रोड पर यहाँ से भुजवा चौकी तक आपको एक हैंड पंप पे एक बूंद कहीं पानी आपको नहीं मिलेगा सरकार तो हर घर जल जीवन मिशन के तहत बड़े बड़े दावे करती है यहाँ अभी कुछ दूर पर करें नल लगा है कहीं नहीं लगा इसके लिए ठीक है सरकार दावा कर रही है ना तो सरकार आकर दिखा दे यहाँ रोड पर जितने नल लगे हैं अगर एक भी नल में अगर पानी आता होगा तो फिर आप हम शर्त देते हैं कि जो कहिए वो शर्त है आज से नहीं आज कई वर्ष से नहीं पानी आ रहा है हमारे यहाँ वो किसी की यहाँ नहीं जा रहा है पूरे ग्राम सभा में या सिरसी हो गया या तो अमोई ग्राम सभा हो गया किसी ग्राम सभा में किसी के घर पानी नहीं जाता और क्या समस्या है यहाँ पर और क्या समस्या है रोड पे तो समस्या है तो भाई आज नहीं कल तो बन जाएगा और समस्या तो खैर कुछ नहीं है सब सही है जो एक तारीख को चुनाव होना है किस तरह का आप प्रत्याशी चुनेंगे सांसद के रूप में प्रत्याशी हम लोग चुनेंगे देखते हैं कि आदमी हमेशा परिवर्तन चाहता है हमेशा आदमी हर वर्ष चाहता है कि परिवर्तन हो हमारे क्षेत्र का विकास हो हमारे जिले का विकास हो इसलिए हम लोग ऐसा नेता चुनेंगे और ऐसा नेता चुनना चाहते हैं कि जो हमारे क्षेत्र का विकास करे एक तारीख को चुनाव होना है आपके मुद्दे क्या रहेंगे कि इन कौन कौन चीजों को एक्चुअली सर हमारा मुद्दा यही है कि हम लोग रमेश बिंद जी को वोट दे रहे हैं और उन्हीं को जिताएंगे क्यों क्या लग रहा है क्या लग रहा है कुछ नहीं लग रहा है पहले 10 साल से है यहाँ पर सांसद नहीं सांसद थी अनुप्रिया पटेल जी थी लेकिन बताइए हमारे गांव में कभी आई थी बगल में आती हैं अमोही में आती है उसके बाद वहाँ गोपालपुर में आती हैं यहाँ बगल में हमारे गांव में आज तक नहीं आई हैं अच्छा अभी तक नहीं है अभी तक नहीं आई अच्छा डबल इंजन की सरकार है तो दावे के साथ कहते कि विकास की गंगा बह रही है सब जगह यहाँ पर क्यों पता नहीं सर कोई नगर है यहाँ पर और यहाँ पर न हर घर जल जीवन मिशन गाँव गाँव तक पहुँच गया है सर जी टोटी सब गाँव लगा है हर घर पे लगा है लेकिन कहीं पानी नहीं आ रहा है अभी बगल में ये है टोटी लगा है देख लीजिए पानी आ रहा है फिर बगल में लगा है नहीं आ रहा है अपना आदमी पर्सनल बोर करवा रहा है उसमें भी पानी नहीं पड़ रहा है जो है जो अनुप्रिया पटेल ने किया हमारे लिए बहुत ही अच्छा किया हाँ रही बात जो कह रहे हैं मतलब आई नहीं उसके लिए मैं मान रहा हूँ कि हाँ नहीं पहुँच पाई होंगी मगर जो किया उसने अनुप्रिया पटेल जी ने जो किया हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा किया और करेंगी आगे ठीक है इस बार नहीं कर पाई हैं आगे करेंगी और मोदी जी का जो सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास वो करेंगे आज नहीं तो कल करेंगे कहीं कहीं पहुंच पाए हैं कहीं कहीं नहीं पहुंच पाए तो पहुंचेंगे आज नहीं तो कल पहुंचेंगे यहाँ के युवाओं का भी कुछ कहना है कि बेरोजगारी और जिस तरह से शिक्षा की व्यवस्था देखिए जो जिस लायक है उसको नौकरियाँ मिल रही हैं ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं मिल रही है नौकरी मिल रही है हम कह रहे हैं कि जैसे 100% में से 50% को मिला 50% भाई बेरोजगारी में है
तो उसके लिए भाई आगे का मौका दिया जाएगा, फिर आगे होगा। अब ऐसा नहीं है सब इंजीनियर ही बन के टहरे। चलिए ठीक, आपकी बात अच्छी बात है, लेकिन एक बात बता, तीन लोग मैदान में उतरे हैं, अनित त्रिपाठी और रमेश बिंद और अनुप्रिया पटेल, तो इन लोगों में से किसको आप चुनेंगे? अनुप्रिया पटेल। इससे पहले 10 साल से वो है, 2 बार सांसद बन चुकी, तीसरी बार है क्या? तीसरी बार आप लाना चाहते हैं? लाएंगे, अब की बार 400 बार। कौन से प्रत्याशी चुनेंगे? समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है कि रमेश बिंद है, बहुजन समाज पार्टी से मनीष त्रिपाठी हैं, और अपना दल से सांसद अनुप्रिया पटेल जो वर्तमान सांसद है भी। देखिए सर, देखते हैं। अच्छा, कोई समस्याएं होंगी आपके गांव की, मूल अहम समस्याएं? समस्याएं हमारे गांव बहुत सी हैं, लेकिन पर क्या करें, हमारे गांव में कोई सुविधा पहुँच ही नहीं रहा है। लेकिन मेडिकल कॉलेज बन गया है, बिंदर कॉरिडोर बन गया है, इसके लिए क्या? नहीं, ये सब अच्छा है, लेकिन पर जो गांव सुविधा है, जैसे नाला हो गया, रोड हो गया, अभी हमारे गांव में फिलहाल वैसे ही हुआ है। हमारे गांव का नाम है भस्मा गांव। अभी ना तो खरंजा का पास हुआ था, प्रधान सलाह जो है कि खरंजा नहीं लगवाया अभी तक, RCC पास हुआ था, RCC नहीं करवाया उसको, बाहर बाहर का रोड करवा दिया, लेकिन गांव का नहीं करवाया अभी। ना तो नाली है हमारे गाँव में, नाली सब भट गया है, खत्म हो गया एकदम। जन की सरकार चल रही है, सरकार का कहना है कि हर घर में कोई समस्या ही नहीं रहेगी, हर घर जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचाया जाएगा, सड़क बनेगी। बताइए आप, इस टाइम पानी भी बंद हो गया है, क्योंकि ना और उस तरफ नहर फिसल रहा है ना, नहर बंद है, तो उसी हिसाब से पानी नहीं आ रहा है हमारे गाँव तरफ। और इसी तरह से अहम समस्याएं हर गाँव में पड़ी हुई है। मिर्जापुर शहर से थोड़ी सी दूर, थोड़ी सी बगल में अगर गांव में जाते हैं तो हर एक व्यक्ति के पास कोई न कोई समस्याएं होती है। इस बार बिजली की समस्या है, किसी सड़क की समस्या है, तो कोई पानी की समस्याएं हैं। ये समस्याएं लेते हुए लोग थोड़ा सा रुझारू है, लेकिन अब ये देखा जाएगा किस तरह से कौन से प्रत्याशी को चुनेंगे, वर्तमान सांसद प्रत्याशी चुनेंगे या फिर दो लोग और चल रहे उनको प्रत्याशी चुनेंगे। अब हम मिलते हैं किसी और दूसरे गांव में। 1 तारीख को मतदान होना है लोकसभा चुनाव का, हर एक प्रदेश में सांसद चुने जा रहे हैं, किस तरह सांसद? भाई जो विकास कर रहा है, हम लोग गुडिंग को चुनेंगे, और विकास के समय गंगा बह रही है मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में। तो विगत 10 वर्षों से 2014 में भी सांसद अनुप्रिया पटेल रही हैं, और 2019 में भी अनुप्रिया पटेल रही हैं, इस बार 2024 जो लग गया इसमें भी अनुप्रिया पटेल मैदान में आई हैं, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इनके लिए वो विकास कर ही रहे, और इनको मजबूत हाथ कराए और विकास करेंगे, तो इसलिए मोदी और योगी और ये अनुप्रिया पटेल हम लोग साथी हैं। जो है विकास कर रहे हैं उसे चुनना चाहेंगे। कॉरिडोर का निर्माण जो पहले से मतलब पहले से बेहतर हो चुका है, इसमें कॉरिडोर बन भी गया है, उसके लिए क्या? अच्छा। तो विकास के मुद्दों पर आप चुनाव? केवल राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मिर्जापुर की जनता जो है अनुप्रिया पटेल को विजयी बना रही है, और अनुप्रिया पटेल ने यहाँ काम भी किया है, उसका काम दिखाई पड़ रहा है, और जनता के बीच में भी पॉपुलर है, इसलिए राष्ट्रवाद के नाम पर ही पूर्वांचल में वोट पड़ेगा। यही चुनाव मैदान समाजवादी पार्टी भी उतर गई है, मनीष त्रिपाठी भी उतर गए इसी मैदान में, उनको टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी की भी चर्चा इस समय चल रही है, किसके लिए? इसमें जो है मनीष त्रिपाठी का जो है वो टेम्पो एकदम डाउन हो गया है, इसलिए जो है सवर्ण मतदाता कह लीजिए, ब्राह्मण मतदाता टोटली जो है अनुप्रिया पटेल के साथ जा रहे हैं, इसलिए जो है अनुप्रिया पटेल को कोई हरा नहीं पाएगा। अनुप्रिया पटेल विकास के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर वो चुनाव जीत रहे हैं। हमारी सांसद तो भाई चाहे जिस स्तर पर माननीय अनुप्रिया पटेल जी का ही देने का पूरा इरादा है। अच्छा, कैसे लगता है अनुप्रिया पटेल को ही के मैदान में, तो दो दो प्रत्याशी और भी हैं? नहीं, उन्होंने अपने बल पर अपना जो है गुडविल बनाया हुआ है, इसलिए उनको देना अनिवार्य है। क्या लगता है कि जो मेडिकल कॉलेज भी बन गया है, मेडिकल कॉलेज से जो है कि क्या सुविधाएं अभी आप तक पहुंच पाती? सुविधाएं तो अनेकों प्रकार की मुहैया उन्होंने कराया है, उम्मीद है कि आगे कराएंगी, और उम्मीद है कि इस बार उनका ही बनेगा। 3 प्रत्याशी में 2 प्रत्याशी तो एकदम जीरो हैं इस जिले में, खाली बस अनुप्रिया आई ना, तो केवल लूट घसोट यही किए, पुल बंद करके टोल टैक्स लेना, 5-5 लाख रुपया महीना बांधना, यही कुल काम किए हैं, और कुछ किए नहीं है, केवल पटेलों का काम किए हैं और किसी का काम नहीं, किसी जात का। इस वक्त रमेश बिंद को हर जात वोट दे रहा है, हर जात समझ लीजिए, कोई ऐसा बात नहीं है, वो रमेश बिंद बहुत अच्छे हैं,
और आ गए हैं, बड़ी बढ़िया लड़ाई हो गई। बड़े दावा करते हैं कि मिर्जापुर में विकास गंगा बहा जा रहा है। कोई गंगा नहीं बहा, कहाँ गंगा बहा बताइए, कहाँ गंगा दिखाइए, कोई रोड दिखाइए, कोई मेडिकल कॉलेज सब वो बनवाई है, पुल बनवा दिए, पुल तो 50 लाख उस पर आया, केवल ऐसे पेमेंट हो गया, कोई काम नहीं हुआ पुराने पुल का, केवल ऐसे पेमेंट हो गया। त्रिपाठी जी तो एकदम जीरो हैं, अनप्रिया ही थोड़ा लड़ाई में है, नहीं इनका भी कोई लड़ाई उड़ाई है नहीं, अब एकदम छटपटा गई हैं, एकदम घबरा रही हैं, माँ चारों तरफ मीटिंग कर रही हैं, कार्यकर्ता बुलवा रही हैं, किसी तरह से हमको जिताओ मार पैसा बांट रही हैं, एकदम उनका पैसा वैसा सब काम नहीं करेगा, सब लेंगे वोट देंगे सब सपा को, साइकिल को। हाँ हाँ एकदम, अखिलेश यादव जिंदाबाद। मैं उनका पेड़ भाजपा उनके कामों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मिर्जापुर में इससे पहले इतना काम हुआ ही नहीं, मैं देखा नहीं, मेरी उम्र 45 साल है, मैंने इतना वक्त देखा नहीं आज तक। यही कपिल या भाजपा जो भी दोनों ये कही है, रोड पानी बिजली और उद्योग, यहाँ पे एक कुछ डिग्री कॉलेज, यही सब है, थोड़ी चीज़ें हैं बाकी तो आ ही गया है, रोजगार चाहिए, क्योंकि अगर बाहर से कुछ आएगा या यहाँ पे स्थानीय लोग का रोजगार नहीं मिल पाता, कम है, थोड़ा कम है, सब बाहर भागते हैं, मिर्जापुर को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे बहुत कुछ है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अनुप्रिया पटेल आके बहुत कुछ उन्होंने किया है, बहुत सारी आपकी मेन स्थानीय मुद्दा यहाँ का रोजगार है, यहाँ से लोग दिल्ली मुंबई कलकत्ता जाके कमाते हैं और महीने 6 महीने साल भर में आते हैं यहाँ के रोजगार, जो बर्तन उद्योग में बोला गया था खड़ा किया जाएगा उसको अभी तक कुछ भी उसमें हमें किया जाए उसको सहारा भी नहीं दिया गया, कोई उद्योग पे काम नहीं किया गया, बोला जाता है कि नए कारखाने खुलेंगे, आज 10 साल का सरकार हो गया, एक भी कारखाना सुचारू रूप से चलित नहीं है जो चल रहा हो, पब्लिक उसमें काम करे, बस बोला जा रहा है कि नया ढिढोड़ा पीटा जा रहा है कि अभी खड़ा हो रहा है, ये उद्योग आ रहा है, और सारा चीज़ जो है मिर्ज़ापुर से दूर एक चुनार साइड में ढकेला जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि मिर्ज़ापुर एक ऐसा क्षेत्र है जो आसपास इलाके को सुरक्षित करें, उसमें रोज़गार की व्यवस्था करें, लोग बाहर न जाएं, पलायन की स्थिति न पैदा हो। पूरे प्रदेश में इसमें लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है कि जो सांसद प्रत्याशी है नए बनाए जा रहे हैं, तो जनता नए सांसद प्रत्याशी चुन रहे हैं, तो किस तरह से आपको लगता है कि क्योंकि चुनावी मैदान जो चल रहा है, इस लड़ाई में 3-3 योद्धा निकल चुके हैं लड़ाई के लिए, अनुप्रिया पटेल हैं और रमेश बिंद हैं और मनीष त्रिपाठी है, कैसा लगता है कि किस तरह के प्रत्याशी किन पर? यहाँ प्रत्याशियों पे कोई जोर नहीं है, यहाँ फेस वैल्यू सिर्फ और नरेंद्र मोदी जी का है, उसी पे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, किसी का नहीं, अनुप्रिया पटेल का कोई बेसिक वोट बैंक या पार्टी का नहीं है, मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जाए, हम लोग मोदी जी को देख के ही वोट दे रहे हैं और उसी को वोट दे रहे हैं, बस ये सोच रहे हैं कुछ अच्छा होगा, देखते हैं इस 5 साल में और क्या होता है। तो अभी तो फिलहाल मेडिकल कॉलेज जो है उसके बारे में बहुत विशेष मुझे जानकारी नहीं है कि जमीनी स्तर पर कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन विकास के मामले में देखा जाए तो पिछले 10 सालों में काम यहाँ पे हुआ है। अनुप्रिया पटेल की ही देन है कि केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे खुला गया, बिंद यूनिवर्सिटी आई और आसपास के जिलों से रास्तों को 4-4 लेन से जोड़ा भी गया है, विकास हुआ है, लेकिन शहर की अंदर की जो रोडें हैं बहुत दयनीय स्थिति में है, यहाँ पर रोडें बहुत सक्रिय हैं, आए दिन जाम लगता है, तो सरकार को चाहिए इस ओर भी ध्यान दें कि रोडें अच्छी हो जाए, चौड़ी हो जाए, ताकि आवागमन में दिक्कत ना हो। सरकार बड़े बड़े दावा करते हैं कि आपके पास 15 मिनट के अंदर एम्बुलेंस सुविधाएं मिल जाएगी, 112 सुविधाएं मिल जाएगी, क्या इसमें क्या लगता है? इन सब में तो काफ़ी सुविधा हुआ है, बहुत अच्छा काम किया गया है, और सड़क बिजली पानी में तो निश्चित रूप से बहुत कार्य हुआ है, गांव गांव में नल की व्यवस्था हो रही है। सिविल लाइन के पास घोड़े सहित के बगल में एक पार्क है जहाँ पे एक अखाड़ा भी है, दिवस कई वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है पहलवानी का, यहाँ पर लोग अपनी प्रक्रिया करते हैं, लोग सुबह जॉगिंग करते हैं, अपनी जिस तरह से है पूरी एक्सरसाइज करते हैं, अब यहीं पर एक भाई साहब भी यहाँ मौजूद है, देख सकते हैं जिस तरह से लोग अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। भैया क्या नाम है? हमारा लवकुश यादव, पहलवान। अच्छा लवकुश यादव, तो बताइए कि 1 जून को चुनाव होना है, आप लोग का भी एक अधिकार बनता है कि चुनाव को जो मतदान करना है, तो किन मुद्दों पर चुनाव? अरे अब बताएं, मुद्दा तो यही है, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये, बहुत बेरोजगारी आ गई और बहुत ज़्यादा महंगाई आ गई है, और इतना गर्मी आई है, वह मोदी गर्मी दे दिए है ना, कि समझ लो गर्मी बर्दाश्त नहीं होता, अभी होता कि बस बदलाव आवे चाहे। अच्छा, 10 साल से अनुप्रिया पटेल यहाँ पर हैं, तो कैसा लगता है आपके चुनावी लड़ में है जो है कि 3-3 प्रत्याशी बाबू करें? उनका कोई लड़ाई नहीं भाई, इस समय सपा जीत रही है यहाँ से, बहुत भयंकर ओटों से जीत रही है,
कोई लड़ाई नहीं है, जो अभी डिबेट लिए है ना ये लोग वो देखी बात कर रहे हैं। हाँ सही बात नहीं बताए। अच्छा ठीक है ठीक है, हम आपसे ये कहना चाहें कि आपको मेडिकल सुविधाएं, एम्बुलेंस सुविधाएं और बिजली पानी समझ में? अरे सब सुविधाएं एम्बुलेंस एम्बुलेंस सब सफाई गवर्नमेंट दिए भाई, तो खोल नाम नंबर बदल के अपन फायदा ले रहे हैं। हाँ ये सब अखिलेश यादव का स्कीम था। इस बार रमेश जीत गए हैं यहाँ से, तो बैंकर वोटो से हर जात की वोट मिल रही उनको। हाँ हर जात की वोट मिल रही। भी आपका क्या नाम है? जी यादव। अच्छा अच्छा, तो आप भी चुनाव देंगे इस बार? तो इसके पहले कितनी बार चुनाव का वोट देने गए? अभी पहली बार जाएंगे। अच्छा पहली बार जाएंगे, तो क्या लगता है किस तरह के प्रत्याशी चुनेंगे जो आपके विकास कर? रमेश बिंद। रमेश बिंद को चुनेंगे आप? कैसा लगता है रमेश बिंद का कारोबार? अभी इसके पहले जो है कि भदोही के सांसद रहेंगे, अच्छे लगते हैं और क्या, बढ़िया लगेंगे समाज में, मतलब उनको देंगे आप? अच्छा समस्याएं क्या है यहाँ पर? कहा जा रहा है गाँव की, गाँव को नौकरी, गाँव को बेरोजगार है, कोई नौकरी नहीं मिला है। मिर्जापुर की लड़ाई बेहद दिलचस्प है। इन चुनावों में अनुप्रिया पटेल की मां ने उनके खिलाफ बिगुल फूंक कर ऐलान कर दिया कि वो उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारेंगी। ऐसे में ये लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। खैर सवाल पिछले 5 सालों का है और अनुप्रिया पटेल के सामने तो पिछले 10 साल। ऐसे में विकास के काम करने के लिए 5 साल एक पर्याप्त समय माना जाता है, लेकिन अफसोस मिर्जापुर के लिए अनुप्रिया पटेल को काम करने के लिए 10 साल मिले लेकिन मिर्जापुर की जनता ने उन्हें फेल करार दिया है क्योंकि वो उनके कामों से खुश नहीं। कोई भी लोकसभा क्षेत्र हो या विधानसभा, जनता अपने नेता को विकास के लिए सांसद और विधायक के तौर पर चुनती है, इसीलिए जरूरी यह है कि सांसद बनने के बाद अगले 5 साल वो काम भी हो जिनके लिए जनता उन्हें वोट देती है और वो काम किए जाएं, ताकि दोबारा चुनाव के वक्त ऐसी नौबत ना आए जनता से माफी मांगकर दोबारा वोट मांगने पड़े। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी और नेताजी का रिपोर्ट कार्ड लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, न स्याही के दोस्त न सफेदी के दुश्मन, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते। कार्यकाल से अब इनको नंबर कितना देना चाहे? चुनाव में आप सांसद अनुप्रिया पटेल को अभी तक किए गए उनके कामों पर कितना नंबर दे? मान लीजिए क्या उनके जो है उनके काम का बिल्कुल संतुष्ट है? कितना नंबर देना चाहिए आपका? 10 में से 5। कितना नंबर? 10 में से कितना नंबर आप देंगे? 10 में से हम उन नंबर कितना देना चाहेंगे सांसद? देखिए मैं अगर अपने इस जगह की समस्या के लिए बात करूंगा ठीक है, और इस पे अगर मुझे नंबर देना होगा, अगर नंबर देना रहेगा कितना नंबर देंगे?